ये कैसे बर्दाश्त किया जाए। हर शख्स उंगली उठा के कहेगा कि बीवी पे तलाक पड़ गई हुई है, या बीवी को कहेंगे कि वो इस पे तलाक पड़ गई हुई है और ये फिर आपस में उसी तरह से जनाशोई के ताल्लुकात कायम किए हुए हैं, यानी माफ रखिएगा, वो तो इसको जना कहते हैं। और अगली बात ये कि इनकी इस औलाद को इसके बाद जो है उसको जायज औलाद नहीं करार देते, इसका क्या इलाज? कुरान के तो खिलाफ था ही, रायज लोग कानून के भी खिलाफ है, लेकिन माशरे में जो चीज कैफियत पैदा होती है इसका क्या इलाज? वो तो इसी के मुसिर होता है माशरा, कि वही साहब तीन दफा कह दी गई, अब उसके बाद उससे झूठ बुलवाया जाता है कि कहो तीन दफा नहीं, ये भी मजाक मुलाजा फरमाओ कि वो जो तीन दफा है ना, एक दो पता कहां हुआ करता है ये जी, वो फिर ये होता है कि वो तीन किया था तो फिर उसे कहते हैं, कहने नहीं दो दफा कहा था मैंने, जान झूठे बोलो झूठ, वो गवाह ले आते हैं कि नहीं साहब तीन दफा कहा था। यानी आप सोचिए कि किस मुसीबत में माशरा फंसा हुआ है, ये क्या है? कभी गौर नहीं किया किसी ने इसको। ये सारे कवानीन ये जिनका मैं अब जिक्र कर रहा हूं, अभी तलाक का ही, ये हलाले का भी, निकाह के भी, वो बच्चों की शादी, छः छः महीने की बच्चियों की शादी, ये सारे कवानीन जो थे ये आपके यहाँ के मलूकियत के जमाने में ये बने, वो ममलकतें खत्म हुई, वो हुकूमतें खत्म हुई, वो सलातीन ना बाकी रहे, जिन्होंने कवानीन बनाए थे वो बाकी ना रहे, वो सब कुछ चला गया। ये उनके बनाए हुए कवानीन जो उन्होंने इस्लामी करार दे दिए, ये क़यामत तक के लिए चल रहे हैं, यानी वो बला, वो मुसीबत, वो अदाब हमारे सिर पे ऊपर मुसल्लत है। जब भी कोई मलूकियत इस किस्म के कवानीन वो खुद बनाए, वो मलूकियत तो चली जाती है उसके बाद, लेकिन ये सब कुछ उसके बाद छोड़ जाती है। अब इन कवानीन को कोई बदल नहीं सकता। ये जो आपके यहां अब कहा जाता है कि नए शरी कवानीन रायज होंगे, ये नए रायज होने वाली बात नहीं है, यही इनको फिका के कवानीन कहते हैं, यही फिकही कवानीन जो है इनको अब नए सिरे से इस्लामी कवानीन जो है ये नाम दिया जा रहा है। इसके बाद अब इनको एक नया लीज मिल गया, जिंदगी का पटा जिसे आप कहिए, अब इसके बाद ये पता नहीं कब तक ये चलेंगे, फिर भी किस तरह कौमों पर जब अजाब आता है तो उसकी कुछ मुद्दत कम नहीं होती, सदियों में गिने जाते हैं उसके एक एक दिन, हजार साल से तो हम ये अजाब भुगतते चले आ रहे थे, अभी पता नहीं कि कब तक भुगतना है हमने। आपने गौर फरमाया कि वो कुरान की बात जो है वो तो ये है ही नहीं कि तीन दफा कहो ये हुआ, रायज उल वक्त कानून ये कह रहा है कि नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद हो रहा है जो हजार बरस पहले की मलूकियत ने तय किया था। मलूकियत अगर इस्लाम का नाम ना साथ ले तो उसके आकाम वक्ती होते हैं, वो खत्म हुई आकाम भी गए, लेकिन जब वो अपने किसी फैसले को इस्लाम कह के नासिस कर दे तो उसका नतीजा ये होता है, वो भी धड़ाधड़ एक दो तीन चार तक शादियां, एक दो तीन कहा तो तलाक, छः छः महीने की बच्चियों के ब्याह शादियां, औरत को कोई हक हासिल नहीं है, यानी ये सारे कवानीन उस दौर के जो राय शुदा हैं, हर कानून नजर आता है कि डिक्टेटरशिप है इसके अंदर। पहली डिक्टेटरशिप तो घर में औरत के खिलाफ होती है, ये उन कवानीन का असर है जिनको शरी कहा जाता है कि आज भी घरों के अंदर खामन की हैसियत बीवी और बच्चों के मुकाबले में डिक्टेटर की होती, यानी उसके लिए मालिक का लफ्ज है हमारे यहां। मालूम नहीं कि ये यूपी में उर्दू वालों के यहां ये है या नहीं, हमारे यहां तो मालिक कहा जाता है खान को, और जैसा मैंने कई दफा कहा मियां या अल्लाह मियां होता है या नीचे खान मियां होता है, और इसे मजाजी खुदा कहा जाता है।
लाई जाती हैं। फिर ये हदाई हदीस है कि हुज़ूर ने फरमाया कि खुदा के सवा किसी को सजदे की इजाज़त होती तो मैं हुक्म देता औरतों को कि अपने खावंदों को सजदा किया करें। ये है ना मलूकियत। खुदा को तो इन सजदों में माज़ अल्लाह टहाई देते थे, या सजदा हाकिम वक्त को वहाँ सलातीन को किया जाता था, या घर में ये जो औरत है वो खावंद को कर दी। देखा, हर हुक्म में एक डिक्टेटरशिप पाई जाती, मलूकियत झलक रही है। तो मलूकियत चली गई, लेकिन उसके बाद ये उसकी परछाइयां जो है, साये जो हैं, वो इतने लंबे हैं कि वो क़यामत तक उम्मत के ऊपर मुसल्लत रहेंगे। और इसका हमारे ज़हन में तो ये है ना, हम उनको दोष दे रहे हैं, ये उम्मत का हमारा ये जुर्म है जिसकी वजह से हम ये सजा भुगत रहे हैं। ये जुर्म नहीं है, ये पैदा हुई हजार बरस में ये कहा जाए कि ये इस्लाम नहीं है, मानती चली आ रही। तो जब मानती चली आ रही है तो मार खाती चली जा रही, फिर किसी बात है। और ये किसी फर्द की बात नहीं, फर्द तो बेचारा पिस जाता है माशरे के अंदर। माशरे में जब ये आम हो जाए कि ये मियां बीवी अब हरामकारी करते हैं, इनके बच्चे भी हराम के हैं, वो कैसे जी सकता है उस माशरे के अंदर फर्द। ये है इन अहकाम की कैफियत जो शरीयत के या शरी अहकाम या इस्लामी अहकाम आयली कवानीन के बताए जा रहे हैं। मैंने अर्ज किया है कि वो कानून मौजूद है तलाही के मुतल्लिक जो कहा जाएगा, वो नाफिजुल अमल है कागज के अंदर, माशरे के अंदर नाफिजुल अमल नहीं है। वो कहीं कोई ऐसा है जुर्म करके जो काउंसिल की तरफ चला जाए, वरना जो ही तीन दफा आपने कहा माशरे के अंदर वो तलाक पड़ गई, उसकी अपील नहीं, वकील नहीं, कुछ नहीं। तो मैं ये अर्ज कर दूं, अगर किसी में बहरहाल ये जरूरत हो, मेरे यहां तो जो आते हैं वो भी बात जो बयान करते हैं, खास तौर पे खवातीन आती हैं मेरी बेटियां और बहनें, होता ये है कि फिर वो भी रो रही होती हैं, मैं भी रो रहा होता, क्या हाल बताऊं उनको, यहां निकल जाओ यहां से, चले जाओ यहां से। जिन हालात में हजरत मरियम अलैहिस्सलाम और उनके खावन ने मजबूर हो गए थे माशरे को छोड़ने के लिए, 30 साल तक मिस्र में जाके जिंदगी गुजारी इन्हीं के हाथों, यही जो मजहबी पेशवाइयत थी जिन्होंने कहा था कि नकाह नाजायज है, ये होता है माशरे का असर। रीजा ने मान, ये था कुछ उम्मीद थी, ये जो इकबाल ने तसव्वुर दिया था पाकिस्तान का, कहा यह था कि ये खित्ता जमीन इसलिए हम मांग रहे हैं कि कोई ऐसी हुकूमत कायम करें जिसमें हमारे मलूकियत के जमाने का जो कौल चढ़ा हुआ इस्लाम के ऊपर उसको हम उतार के सही इस्लाम को नाफिज कर सके। ये मकसद था, यही है वो कौल जो चढ़ा हुआ। ये मलूकियत के जमाने के जितने कवानीन हैं, वो पब्लिक लॉज हों या वो आपके यहाँ पर्सनल लॉज हों, पब्लिक तो बहरहाल हुकूमत आगे मिटा देती है,